कल शाम 7 बजे के बाद में राजभवन से एक ऐसी खबर निकल के आई जिसने झारखंड की राजनीति को हिला कर रख दिया। ये खबर थी कि राज्यपाल ने झारखंड सरकार के विशेष सत्र में लाए गए एक विधेयक जो कि 1932 के खतियान की आधार पर यहाँ के स्थानीय नागरिकों की परिभाषा को परिभाषित करते हुए विधेयक पास किया गया था, इसे राजभवन ने वापस लौटा दिया। और उसके साथ में जो नोट लगे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि ये संविधान की मूल अवधारणा और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और आदेशों के विपरीत है, तो ये विधेयक एक प्रकार से असंवैधानिक है। अब इसे वापस जब से लौटाया गया है तब से राजनीतिक बयानबाजियां भी चल रही हैं और कई सारे लोग जो हैं बहुत सकते में आ गए हैं कि एक बार फिर यहाँ पर स्थानीय नीति का मामला लटक कर रह गया है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मधु कोड़ा जी से। देख रहे हैं ठीक, जैसे सरकार के द्वारा जो विधायक विधानसभा से पास किया गया है कानूनी रूप तभी लेता है जब राज्यपाल के राजभवन से वो विधायक को नोटिफाई कर दिया जाता है। देखिए जब एक संवैधानिक के पद पर जो व्यक्ति आज उसमें आसीन है अगर कोई बात को बुलाए हैं तो सभी को उसे उस पर गौर करनी चाहिए सरकार को भी, इसलिए क्योंकि यह बहुत दिन से एक नियुक्ति के मामला अटका हुआ झारखंड में, इससे पूरा प्रदेश के झारखंड प्रदेश के सारे नौजवान लोग आज पढ़ लिख करके लोग टकटकी निगाह से उसे देख रहे हैं कि कब वो पॉलिसी बनेगा, कब नियम कानून बनेगा कि नियुक्ति निकलेगा तो मुझे मौका मिलेगा, ये इसलिए बड़ी आशंकित होकर के या इस तरफ में देख रहे हैं। तो राज्य सरकार को चाहिए कि अगर संवैधानिक कुछ विषय जब प्रश्नचिन्ह लगाए उस पर तो संवैधानिक के खामियों को दूर करने का प्रयास करें, या फिर राज्य सरकार पास में अधिकार है या उसी विधायक को दोबारा भेज सकता है, इसमें को उसमें कोई इसमें आसन भी नहीं है, तब है कि क्या होगा, क्या ऐसे ही उन्होंने विधायक के अटके रहेगा, क्या ऐसे ही विधायक के आधार में लटक जाएगा, तो इसका समाधान होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए सरकार की तत्परता से आजाद में इसको समाधान की दिशा पर अगर है तो उसका समाधान जहां पर उन्होंने हमेशा से बात को उठाया है कि भाई जो आधार बनाया गया है आप किसी भी खतियान को आप बस किसी भी हम समझते हैं बस के डेडलाइन से आप बांध नहीं सकते, चूंकि नागरिक का परिभाषित जो है वो वहां के कुछ ना कुछ आधार है खतियान आधार है, हम उसको किसी भी वर्ष से हम लोग उसको बांट नहीं सकते हैं और उसको डेडलाइन नहीं दे सकते हैं। तो ये बात बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बात को रखा है और इस पर ध्यान में रखना चाहिए और हम चाहेंगे कि इस बात को सरकार की ओर से पर तत्परता के साथ में रहे और समाधान जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, राजनीति में नौजवान लोग बेरोजगार के बेरोजगारों के हित में इसको जल्दी निकालें। सर जैसे एक बार फिर से हम सरकार के पास ये आ गया है फाइल, तो क्या मुख्यमंत्री से मिल करके आपका जो मांग था कि आपके जो क्षेत्र कोल्हान की जो जनता है वो तो इसमें स्थानीय नीति के लाभ से वंचित हो जाएगी, तो क्या मुख्यमंत्री से मिलकर इस बारे में बात करेंगे? देखिए एक मिलने का तो कोई इस विषय पर बहुत आवश्यकता नहीं है, जो कि मैंने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हेमंत सोरेन जी को लिख करके दिया है और हमने इस बात को लेकर अपने पार्टी प्रोग्राम भी रखा है और उस पर अगर वो चाहे तो उसको विचार के लिए हमारा चिट्ठी को वो देख सकते हैं कर सकते हैं, अगर आवश्यकता समझेंगे बुलाएंगे तो विचार के लिए जरूर हम बातचीत करेंगे और सही सुझाव देने के हम अपनी ओर से हम प्रयास करेंगे ताकि ये जो इतनी इस विधायक को लेकर के आज जो असमंजस की स्थिति पूरा प्रदेश में फैला हुआ है ये दूर होना चाहिए। सर चूंकि आप मुखिया रहे हैं आपने झारखंड सरकार को चलाया है तो आपसे दो सवाल पूछना चाहेंगे। एक सवाल सर ये कि जब झारखंड सरकार के विधि विभाग ने कह दिया था कि यहाँ पर जो स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर बन रही है और जो उसमें बातें जोड़ी जा रही है वो असंवैधानिक हो जा रही है,
रघुवंश की सरकार इसको लाती है, विजय सत्र में पारित करती है, रघुवंश जयंती रिजेक्ट होकर के वापस सरकार के पास आ गया है। एक चुनी हुई सरकार जिसके पास की पूरा टीम होता है, अधिवक्ताओं के महाधिवक्ता होते हैं, कानून विशेषज्ञ सलाहकार होते हैं, फिर इस तरह का असंवैधानिक सा काम कैसे हो जाता है, मतलब उसमें कहां चूक आप महसूस करते हैं सरकार की तरफ से? नहीं, बात सही है। देखिए, आप ये नहीं कहते हैं कि विधि विवाद जो है किसी विषय को उस कानून संबद्ध है या नहीं, चाहे संवैधानिक संबद्ध है या नहीं है, वो अपना राय देते हैं। कभी कभी ऐसे विषय होते हैं जो व्यवहारिक रूप से उनको करने की जरूरत होता है। तो ऐसे कई एक उदाहरण है कि विधि विवाद के सुझाव या उसके मंतव्य से भिन्न रहते भिन्न सरकार ने निर्णय लेते रहे हैं, ऐसे कई एक उदाहरण है। लेकिन जो विषय पब्लिक में तय हुआ है, जो विषय कानूनी रूप से तय हुआ है, जो खामियां जो सामने आ रही है, उस पर निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए। और हम लोग तो यही कहेंगे कि विधि विवाद जब इस प्रकार से जब उनकी नकारात्मक जब वो ये उनकी सीरिया है, दृष्टिकोण है, तो उस पर और गंभीरता के साथ में विचार होना चाहिए था जी। अच्छा सर, एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आप राज्य के मुखिया रहे हैं और आपके कार्यकाल में कुछ एक नियुक्तियों की प्रक्रिया में हुई थी, उसके बाद जो है नियुक्तियों पे ब्रेक सा लगने लगा। झारखंड जब राज्य बना था तो यहाँ के लोगों में गजब का उत्साह था कि अब अपना राज्य आ गया, सबको नौकरी मिलेगी, सबको अपना अधिकार मिलेगा, मगर आज तक स्थानीय नीति नहीं परिभाषित हो सकी, इसका नुकसान जो है युवा वर्ग को भुगतना पड़ता है। तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, आक्रोश बहुत ज्यादा है, उसके वजह से कई सारे समाज में साइड इफेक्ट्स भी देखते हैं हम लोगों को। तो ऐसा क्या समाधान झारखंड सरकार के स्तर पर अगर मधु कोड़ा सर से पूछा जाए कि क्या ऐसा किया है जिससे कि युवाओं की इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकल सके, तो आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल है समाधान है, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। उसे समाधान करने के लिए एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए और उस पर तत्परता रहना चाहिए कि इसको हमें वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से हम उसे किसी भी नीति को, नियम को या विचार को हमने जमा पहना सकते, ऐसा उपचार करने के लिए बहुत सारे विचार विमर्श करनी चाहिए, विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए, उसकी मंतव्य लेना चाहिए। और जरूर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई समस्या है तो उसका समाधान ही नहीं है। तो ये बेरोजगार लोगों का जो समस्या देखा जा रहा है, नियुक्ति नहीं हो रही है, आज हर नियुक्ति आज विवाद में फंसते जा रहा है, बच्चे नौजवान लोगों का आज उनका एज खत्म हो जा रही है, परीक्षा देते रहते एज खत्म हो रहा है, प्रतीक्षा करते करते उसकी उम्र समाप्त हो जा रहा है। तो वैसे एक बहुत बड़े तादाद है, तो ये समाज में हम समझते हैं, बहुत हम समझते हैं कि एक निराशाजनक स्थिति पैदा हो गया है, उसके लिए तो समाधान करने के लिए उनके लिए अगर ठोस नीति और भाई सोच विचार से बना करके रहना चाहिए, ताकि विवादित में ना फंसे कोई भी नीति नियुक्ति को लेकर, और कोर्ट में ना जाए ये सभी विवाद, वहां पर ना जाकर फंस ना जाए, ये ध्यान में रखना चाहिए। सर अगर जैसे आप मुख्यमंत्री रहे और बहुत सारे काम आपने सोचे होंगे, मगर फिर जो है आपकी सरकार नहीं रही, तो अगर आपको फिर से राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिले, तो पिछले समय में कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो आप चाहे होंगे मगर वो पूरा ना कर पाए हों, तो ऐसा कोई चीज जो आम जनता, झारखंड की जनता के साथ शेयर करना चाहे, अगर आपको नेतृत्व का फिर से मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे जिससे झारखंड को अधिकतम लाभ मिल सके? हमने बहुत विषम परिस्थिति में हमने सरकार को चलाया, जहां पर संख्या बल में होने के बावजूद भी लोग सरकार नहीं चला पाता है, हमारे पास तो केवल संख्या बल भी नहीं था, उसके बाद भी हमने सरकार को यहां पर धरना, सरकार जो है ना, हमने 2 साल तक प्रतिनिधित्व किया मुख्यमंत्री के रूप में, कोशिश किया असंतुष्टि से बाहर निकले, सामूहिक
जो भावना होती है समाज की वो हमारे अंदर होनी चाहिए, यही समाधान है आपसी सामाजिक विद्वेष को कम करने का। आज हमने जाना कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी झारखंड की समस्याओं पर अपने क्या विचार रखते हैं, और 1932 के खतियान आधारित जो विधेयक राजभवन से रिजेक्ट हो गया है उसमें ये उम्मीद कर रहे हैं कि झारखंड सरकार इनके पूर्व में दिए हुए पत्र को गंभीरता से लेगी और विसंगति को दूर करके एक अच्छी स्थानीय नीति बनाने का प्रयास करेगी।